एक्चुअली ये बच्चा है, इनको हम कहते हैं कंजॉइंट ट्विंस। इसमें क्या होता है कि जब जो सिंगल जाइगोट है जिससे एक बच्चा बनना है, उसमें डिवीज़न होके दो बच्चे बन जाते हैं, तो वो कहीं से आपस में कनेक्टेड रह जाते हैं। यूजुअली जब 12 दिन के बाद उनका डिवीज़न हो जाए तो वो कनेक्टेड रह जाते हैं, तो उससे जो दो ट्विंस की जगह वो जुड़े हुए ट्विंस बन जाते हैं, तो उनको कंजॉइंटिस। वही इस बच्चे में प्रॉब्लम थी। ये कहीं से भी जुड़े हो सकते हैं, थोरैक्स से जुड़े हो सकते हैं, अब्डोमेन से हो सकते हैं, सिर से हो सकते हैं, नीचे की तरफ हो सकते हैं, उसके हिसाब से। फिर ये कभी कभी सुपरफिशियली खाली जुड़े हुए हैं तो उनको अलग करा जा सकता है, लेकिन ये जब डीप ऑर्गन्स भी इनके आपस में शेयर कर रहे हों, उस केसेस में फिर इनका डिवीज़न डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये जो बच्चा है, इसके थोरैक्स का पार्ट जुड़ा हुआ था और उसमें हार्ट एक था, हार्ट एक ही दोनों को पंप कर रहा था, सिर दो थे, हाथ दोनों तरफ हैं और बीच के हाथ दोनों के मिलके सिंगल हाथ था, बट उसके पाम दो थे। तो तीन हाथ, चार पैर और एक बॉडी और दो सिर। अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर ये सुपरफिशियली जुड़ा होता या दो हार्ट होते अलग अलग, तो इसको पीडियाट्रिक सर्जन लोग उसको डिवाइड कर सकते थे, लेकिन अगर वो एक ही हार्ट है तो उसको डिवाइड करना बहुत मुश्किल है। ऊपर से इसके हार्ट में थोड़ी मेलफॉर्मेशन भी है, क्योंकि उसका हार्ट जो है वो एक सिंगल वेंट्रिकल है, मतलब चार चैम्बर की जगह तीन ही चैम्बर हैं, तो वैसे भी इसकी प्रोग्नोसिस थोड़ी पुअर है। तो उसको सातवें महीने में पता चला कि उसका बच्चा ख़राब है, फिर वो इधर आया। तो फिर सात महीने के बाद थोड़ा सा हम लोगों ने रिव्यू करा, और उसको MTP नहीं करते हैं फिर जब बच्चा इतना बड़ा हो जाता है, तो रिव्यू करा, तो हम लोग इसमें देखना चाहते थे MRI से और सबसे कि क्या बच्चा सेपरेबल है। तो फिर ये सोचा जब बच्चा डिलीवर होगा उसके बाद ही सोचेंगे उसको सेपरेट अगर करा जा सकता है तो नहीं। चांसेस अगर एक हार्ट एक तरफ शिफ्ट करके और दूसरी बॉडी ऐसे सेक्रीफाइस करके कुछ हो सकता होता तो सोचते, लेकिन वो बच्चे की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो सेपरेट हो सके। और अब वो अपने आप ही लेबर पेंस में आके फिर वो डिलीवर हो गई 34 वीक से पहले ही।